अगर आप टिकटॉक चलाते हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि स्लोमो क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है स्लोमो क्या होता है या स्लोमो कैसे करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ स्लोमो के बारे में। स्लोमो मतलब जैसे कि अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो तो उसके बीच में आपको एकदम ही स्लो मोशन लाना होता है। मतलब वीडियो एक स्पीड में चल रही होती है तो उसकी स्पीड कम करनी होती है, उसको हम स्लोमो कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे स्लोमो कैसे करते हैं। तो दोस्तों, स्लोमो करने के लिए सिंपली हमें एक एप्लीकेशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी एप्लीकेशन है जिसको आपको इंस्टॉल करना है, और उसके बाद मैं बताऊँगा स्लोमो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च में डालना है इनशॉट। तो जैसे ही आप इनशॉट डालेंगे और उसके बाद सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। बाकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके कर सकते हैं। तो मैं अभी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। एप्लीकेशन ओपन हो गई है, और उसके बाद में आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली आपको वीडियो पर क्लिक करना है, और मैंने ये वीडियो ले लिया है। तो अभी मैं आपको इसका स्लोमो करके दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको इसकी साउंड बंद कर दूँ, और अभी मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं चल रही है वीडियो। तो अभी मैं इसकी स्पीड कम करता हूँ। तो आपको यहाँ पर सिंपली वीडियो पर क्लिक करना है सबसे पहले, और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको स्पीड का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, स्पीड पर क्लिक करना है, और स्पीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे लाइन आ जाएगी, और उसमें आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड करते हैं तो आपकी स्पीड सिंपली डाउन हो जाएगी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये हमारी वीडियो स्लोमो में बन गई है। तो अभी अगर आपको स्पीड इसकी हाई करनी है तो आप हाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये हमारी स्पीड इसकी हाई हो गई है, और 2.0 की स्पीड इसकी हो चुकी है। तो अभी अगर आपको कम करनी है थोड़ी कम कर सकते हैं, और कम करनी है और कम कर सकते हैं, नॉर्मल रखनी है तो नॉर्मल रख सकते हैं आप। ऐसी ये हमारी ओरिजिनल वीडियो है। तो अभी अगर आपको स्लो करना है तो आपको फिर लेफ्ट साइड करना होगा। और तो अभी मैं देखिए पूरा इसको स्लो करके दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, तो ये तो हो गया हमारा स्लोमो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आधी वीडियो नॉर्मल होती है और आधी वीडियो स्लोमो में होती है, उसे कैसे करेंगे। तो चलिए अभी हम सिंपली वीडियो पर क्लिक करते हैं, और वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको इसको ट्रिम करना होगा। ट्रिम करने में आपको इसके बीच वाले ऑप्शन में जाना होगा, कट पे, जो कि आपके यहाँ पर है। कट पे जाने के बाद जैसे कि मान लीजिए आपको इतनी वीडियो की स्पीड रखनी है, और उसके बाद की वीडियो को आपको स्लोमो करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस तरफ वो पार्टीशन चुन लेना है जिसको आपको स्लो करना है, या जिसको आपको फास्ट करना है या नॉर्मल रखना है, किसी को भी आप चुन सकते हैं। उसके बाद में आप राइट कर दीजिएगा, और आपकी वीडियो जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और इस तरीके से डिवाइड होगी कि किसी को पता भी नहीं लगेगा, यहाँ तक कि आपको भी पता नहीं लगेगा। जैसे कि मैं अभी आपको चला के दिखा देता हूँ, देखिए वीडियो, ये सिंपली पूरी वीडियो स्लोमो में ही होगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए दो पार्टीशन आ गए हैं वीडियो के, एक हमारी 5 है, एक 15 है। तो 5 वाली का मैं स्पीड एकदम फास्ट कर देता हूँ, और इस वाली का जो हमारी 15 वाली का है उसका मैं फास्ट ही रहने देता हूँ, या कहें तो मैं फुल फास्ट कर देता हूँ इसका। तो अभी देखिए ये दोनों फास्ट हो गई हैं, लेकिन मैं इसका शुरू वाले का डाउन कर देता हूँ। इसका मैंने डाउन कर दिया, 0.05 कर दिया। अभी आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आपको स्लोमो दिख रही है वीडियो, और अभी आप देखेंगे एकदम ही इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, देख सकते हैं। सिंगल करना होगा तो आपको वीडियो में दो पार्ट नहीं करने होंगे, लेकिन अगर आपको डबल करना है, जैसे कि मतलब आधी वीडियो स्लो रखनी है और आधी वीडियो फास्ट रखनी है, तो उसके लिए आपको वीडियो को दो भाग में डिवाइड करना होगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और उसके बाद में आपको जिस पार्ट को स्लो रखना है उसकी स्पीड स्लो कर दीजिएगा, जिसको फास्ट रखना है उसकी फास्ट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।